हिंदुस्तान की मिट्टी में न जाने क्या क्या देखा है। ना बोले सोनिहार, गदर 2 के बाद अब आने वाली है सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2। जी हां, आपको बता दें कि सनी देओल की हालिया रिलीज हुई फिल्म गदर 2 ने एक हफ्ते में ही 300 करोड़ का बिजनेस कर लिया है और इसके बाद ही सनी देओल की एक और फिल्म बॉर्डर 2 की अनाउंसमेंट कर दी गई है। एक रिपोर्ट की माने तो बॉर्डर 2 में साल 1971 में हुई भारत और पाकिस्तान के बीच की जंग दिखाई जाने वाली है। सनी देओल फिल्म मेकर जेपी दत्ता और उनकी बेटी निधि दत्ता के साथ हाथ मिलाने वाले हैं, जो कि इसका सीक्वल बनाने जा रहे हैं। हालांकि बॉर्डर 2 के बारे में ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन हाँ, दबे आवाज में ये शोर जरूर गूंज उठा है कि गदर 2 की सक्सेस को देखते हुए सनी देओल अपनी कई फिल्मों के सीक्वल बनाने वाले हैं। ऐसे में बॉर्डर 2 उनकी सबसे पहली पसंद होने वाली है। फिल्म में सनी देओल के अलावा पुरानी कास्ट नजर नहीं आएगी, बल्कि इसके अलावा होगी नए स्टार्स की कास्टिंग। और खबरें हैं कि इस फिल्म में रणवीर सिंह और विकी कौशल जैसे बड़े बड़े कलाकारों को लिया जा सकता है। वेल, 1997 में आई रिलीज हुई बॉर्डर में ड्रैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, सुदेश बेरी, पुनीत असर और कुलभूषण खरबंदा आपको नजर आए थे। तो वहीं आने वाली बॉर्डर 2 में कई सारे नए कलाकार आपको नजर आएंगे, जो कि एक्शन में बिल्कुल माहिर हैं। वर्ल्ड बॉर्डर अपने समय के सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। ऐसे में कहा जा रहा है कि सीक्वल को जेपी दत्ता जैसे बेस्ट डायरेक्टर ही डायरेक्ट करेंगे। इतना ही नहीं, बॉर्डर के लिए जेपी दत्ता को बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका था। इसके गानों के बेस्ट लिरिक्स के लिए जावेद अख्तर को नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। वेल दोस्तों, गदर 2 के बाद बॉर्डर 2 को लेकर आप लोग कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।